Hey guys. Hi guys, my name is Sagar Achavan and welcome back to Mihir's channel. He is my brother, मेरे को बहुत ही पसंद है and do follow me also. मेरा भी एक चैनल है, चैनल का नाम है सागर आर्चवान and it's a pretty good one guys. I will see you over there. हम लोग मेहनत कर रहे हैं. Please do like, share and comment and अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें ब्रदर्स चैनल. इसका दिल अच्छा है. We require more people like that man. Thank you. Peace out. Bye. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, to my another vlog. So today I'm with my friend Sagar Chauhan. So he's an actor. Bolna, bolna, bhai. So he's an actor, entrepreneur, and he's a entrepreneur. He's a professional dancer. So आज मैं इसके साथ वार्तालाप करूंगा. वार्तालाप. Okay. क्या language है भाई? So इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा क्योंकि मैं इनको बहुत मतलब कॉलेज के टाइम से जान रहा हूं और ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन जो कि इसने लाइफ में अपने साथ जो कुछ लाइफ में अचीव किया है. सो आज उसके बारे में बात करेंगे और प्लस इनकी एक्टिंग के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही खूब है और बहुत ही बेमिसाल है क्योंकि जो कि मैंने देखी है और कुछ ही महीनों में हाँ इनकी एक मूवी आ रही है जो कि ये अगर बताएंगे तो ही अच्छा होगा. मैं नहीं बताऊंगा. सो लेट्स सी इनके साथ अभी बात करेंगे. ओके हाय गाइस, माय नेम इज सागर आचवान. वेलकम बैक टू मीर अंबेडकर चैनल. एक मीर अंबेडकर इतना अच्छा दोस्त है मेरा कि आपको पता है आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत थोड़े इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पे जैसे आपको वो चीज मालूम पड़ती है ना, आप ना पहले तीन लोगों को बताते हैं. पहले अपने फैमिलीज, ओके, उसके बाद अपने फ्रेंड्स और तीसरी बात जैसा मैं हूँ मैं खुद को बताता हूँ. बिकॉज कभी कभी मुझे रियलाइज नहीं होता है. ओ ओ ओ साउंड इफेक्ट दे रहा है ना तो मैंने अपने डैड मॉम को फोन किया, सिस्टर को फोन किया, मैंने उनको बताया. सेकंड जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिसमें सबसे पहला नाम आता है वो मीर अंबेडकर का आता है. थैंक यू. बिकॉज बचपन में हमारी काफी यादें हैं एक साथ. बहुत मस्ती किया हम लोगों ने. मतलब इतनी मस्ती की है कि आप बताओ कितनी मस्ती की है. मतलब इसको मैंने उसकी स्विमिंग ट्रंक से अंदर नंगा भगाया भी है. नंगा भगाया था वो भी रात को और वो बोल रहा है स्विमिंग पूल में जा. मैं गया, मैंने कुछ नहीं बोला था अभी, बट इसने बोला जा कुछ है वहां पे देख के आ. मैं गया एंड ही रैन अवे विद माय क्लोथ्स. कैन यू इमेजिन मैं पूरा नंगा भाग रहा हूं. नहीं नहीं, मैं एक्चुअली उसको एक्सप्लेन करूंगा बराबर से थोड़े टाइम के बाद. सो बेसिकली हम लोग इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज मेरी एक फिल्म आ रही है कॉल बैड बॉय, डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी जी, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड. एंड वो फिल्म में मैं तो हीरो नहीं हूँ. वो फिल्म में जो हीरो है वो मिथुन जी के लड़के है नमाशी चतुर्वेदी. उनका ये लॉन्च है. एंड अमरीन कुरैशी इज द एक्ट्रेस एंड इनबॉक्स पिक्चर इज द प्रोडक्शन हाउस. तो मैं वहां पे एज अ नमाशी का दोस्त है वैसा एक छोटा सा रोल है हमारा. एंड वो किरदार में निभाया है बिकॉज छोटा सा क्यों, हम है बॉलीवुड के बाहर. वी आर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं हम बॉलीवुड के बाहर से आते हैं. हमारे लिए छोटे रोल भी बहुत मायने रखते हैं. क्योंकि मतलब मैं जानता हूँ स्ट्रगल जो कर रहे हैं लोग आजकल के डेट में. जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलीवुड में जाने के लिए या फिर सीरियलों में जाने के लिए, एक रोल भी काफी हो जाता है उनके लिए. एंड आई रिस्पेक्ट फॉर दैट कि वो अगर एक रोल मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी है, चाहे वो छोटा भी हो रोल या फिर बड़ा हो रोल, बट वो करना चाहिए. नो डाउट एट द ये तो करना चाहिए, ये तो सही बात है. बट आई टेल यू वन थिंग ब्रो कि एक टाइम पे ना अगर आप यही चीज कोविड से पहले 3 साल पहले देखो, एक ना एक कम्युनिटी ऑफ पीपल होती है. अभी कैसा है अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे ना, नेपोटिज्म लोग बहुत चिल्लाते हैं. बट ऑनेस्टली अगर मुझे कोई पूछेगा ना, नेपोटिज्म ये हर जगह चलता है मेरे हिसाब से. अब कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, बॉलीवुड बिकम द सॉफ्ट टारगेट इसलिए हम लोग बोलते हैं. बट फॉर मी नेपोटिज्म इज एवरीवेयर. आप कहीं पे भी जाओ एंड फॉर पीपल लाइक मी हु आर फ्रॉम आउटसाइड, व्हेन वी ट्राई टू कम हमें बहुत ही ज्यादा मतलब कठिनाइयों से, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जाना पड़ता है टू गेट वन रोल. बिकॉज देर इज अ वेरी सिंपल थिंग कि जब मैं ऑडिशन करता हूँ, जब मैं ऑडिशन करता था, अब तो मैं करता नहीं हूँ. ओके आई थिंक बट मुझे मतलब अभी जैसे तूने एक वर्ड यूज किया एंड
ये जो व्लॉग है अपना मतलब ऐसा नहीं प्रोफेशनल नहीं है बट एज अ फ्रेंडली होगा. सो मैं तुझे पूछना चाहूंगा कि जो ऑडिशन था तेरा वो कैसे हुआ, मतलब वो तू बता सकता है मेरे व्यूअर्स को, तो उनको भी पता चलेगा. जो मतलब जो एक टारगेट ऑडियंस होती है तो उनको भी एक पता चल जाएगा कि मतलब कैसे ऑडिशंस क्रैक करने होते हैं, कैसे कहां से फ्लो होता है. तो अगर आप वो तू बता सकता है तो बहुत ही अच्छा होगा. सी मेरे हिसाब से तो मैं ऑनेस्टली अभी जैसा आजकल का टाइम है आई हैव स्टॉप बिलीविंग इन ऑडिशंस. आई एक्चुअली हैव स्टॉप बिलीविंग इन ऑडिशन बिकॉज देयर आर प्री सेट मेजर्स होते हैं लोगों के कि भैया इसको कास्ट करना है इसको कास्ट नहीं करना है, ये पहली बात है. दूसरी बात है कि कोई भी इंसान जिसको बॉलीवुड में ट्राई करना है ही कैन ऑलवेज ट्राई, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप बिकम अ ब्रांड. टुडे सोशल मीडिया पे अगर आपके फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अगर आपके फॉलोअर्स है तो आपका एक ब्रांड होता है, आपकी एक ब्रांड वैल्यू होती है. और जैसे वो ब्रांड वैल्यू आप लेके आ जाते हो बॉलीवुड के अंदर, आपके आपको जहाँ पे ऑडिशन देना पड़ता है आपको 99% ऑडिशन नहीं देना पड़ता है, दैट इज वन थिंग. दूसरी बात क्या है, आपका जो पे होता है, बिकॉज बॉलीवुड भाई मैं ऐसा इंसान हूँ जिसने कम से कम रेट में भी काम किया है. सो बॉलीवुड में जब आप एज अ ब्रांड आते हो तो आपको आपकी वैल्यू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वैल्यू का पैसा मिलता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बॉलीवुड में इफ यू आर ट्राइंग फॉर सीरियल्स, सीरियल इज अ रियली गुड प्लेस जहाँ पे आप न्यू कमर्स कैन ट्राई. आई हैव एक्टेड फॉर बालाजी टेरी फिल्म्स एंड आई हैव बीन वेरी ग्रेट. सो आप कुछ बता रहे थे वैल्यू बॉलीवुड में आने का. बॉलीवुड में व्हेन यू कम एज अ ब्रांड तो आपको आपके वैल्यू का पैसा मिलता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट अ जोक. Because that for a single day you are in a position to charge around 50 to 60,000 a day also. Ad films है तो ज्यादा हो सकता है. Okay. And that is why it is very important कि आप brand बनाओ as a brand कि भाई for example आप मिहिर अंबेडकर हो, आपके पास इतने इतने followers है, आप you are adding a value. Because आज के time पे there are not good actors, they are not excellent actors. Okay. There are legendary actors in this field. You will be competing with legendary actors. जो FTIS से है, NSG से graduates है, जिनके पास 10-10 साल पुराने थिएटर के experiences है, and small kids who have grown working, dancing, acting since 10, 12, 15, you will be competing with them. Correct. And it is not a joke. तो मैं आपको ये बता रहा था कि Bollywood में आना अभी फिलहाल तो आसान है मेरे हिसाब से. डोंट गो फॉर ऑडिशन, आपको अगर ट्राई करना है ऑडिशन पे आप जाइए, बट एंड गो टू प्लेसेस जहाँ पे ऑडिशन एक्चुअल में सिर्फ ऑडिशन होते हैं. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, देर आर लॉट ऑफ फ्रॉड पीपल आउट देयर इन बॉलीवुड, जो बहुत सारे एक्टर्स को, नए एक्टर्स को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, विच इन माई एंड देर आर एट द सेम टाइम देर आर रियली 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 गुड पीपल ऑल्सो हु विल हेल्प यू. अगर आप उनके दिल में घुस गए ना तो आपको वो इतनी आगे तक पुश करेंगे इन लाइफ ना, आपको मतलब सिर्फ करने के लिए करेंगे. अच्छा मुझे ये बात बता, जब ये तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मूवी के लिए तो तेरा जो एक्सपीरियंस था लोगों के साथ बात करना या फिर जो भी प्रोडक्शन हाउस होते हैं तो तेरे साथ कैसे बिहेवियर था, मतलब काम के रिलेटेड एक्टर्स कैसे थे? ऑनेस्टली मैं अगर बात करूं तो प्रोडक्शन हाउस के जितने भी लोग थे मेरे साथ तो भाई 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 बहुत ही स्वीट थे. ऑल द यू नो ईपी से लेके ऑल द असिस्टेंट्स वर वेरी स्वीट एंड दे वर वेरी हेल्पफुल. मतलब वो माहौल ही ऐसा बन गया था कि तो मजा आ रही थी यार लोगों के साथ बैठ के बात करने में. एंड कुछ हमारा कुछ 25 दिन का शूट था, उसके बाद मे बी 12-13 दिन का और कुछ शूट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बिकॉज वी शॉट दिस बिफोर कोविड दिस फिल्म. एंड उसके बाद माहौल तो बहुत ही अच्छा था. एक्चुअली मोर देन माहौल ना, खाना बहुत अच्छा था. यही चीज सबसे मैटर करती है, बिकॉज आप दिन भर काम करते हो और अगर आपको अच्छा खाना नहीं मिलता है देन यू कैन नॉट परफॉर्म. एंड बीइंग एन एक्टर, बीइंग एक्टिंग इज अ वेरी क्रिएटिव फील्ड, आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों इट हैज टू कम टूगेदर इन दैट कपल ऑफ सेकेंड्स टू एक्ट. या सो माई एक्सपीरियंस वर्किंग विद इनबॉक्स प्रोडक्शन हाउसेस वॉज एक्सीलेंट, मतलब मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा. और तेरा जो काम करने का मतलब जैसे एक स्क्रिप्ट दी जाती है हर एक एक्टर्स को, तो तेरा जो मतलब एक्सपीरियंस था विद नमाशीष, विद अमरीन, तो कैसा था मतलब? सी नमाशी एंड मी वी स्टिल टॉक. वो एक्चुअली ना वो लड़की की ना मुझे ऐसा लगता है उसकी ना अपब्रिंगिंग बड़ी अच्छी है. ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, एट द सेम टाइम ही इज अ गुड लुकिंग पर्सन. आई फील ही इज अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन ऑन स्क्रीन. एंड मैं चाहता हूँ कि यू नो आपकी वीडियोस है
आपके अगर मेरा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ही इज अ स्वीट पर्सन एट द सेम टाइम आई फील ही इज गोना कम अप वेरी फास्ट एंड बस और कुछ नहीं. And he is very similar to Mithun ji when he was I'm very a big young. fan of him. I'm a big fan of him. Mithun ji. एक film बता. बहुत सारे ऐसे film हैं. एक film बता. कि कश्मीर फाइल्स उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की थी. फिर सेकेंड है उनकी बेस्ट द डिस्को डांसर. और तीसरी मूवी है जंग.